सब्सक्राइब करें राधा रेसिपी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल बिस्किट की बर्फी, उसको हम रॉयल्स बर्फी बोलते हैं, जो खाने बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉयल बर्फी बनाने के लिए मुझे बिस्किट चाहिए, तो मैंने ये टाइगर बिस्किट ले ली। आप कोई सी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास चॉकलेट बिस्किट नहीं है, पार्ले जी का बिस्किट रखा है, तो आप उसमें 2 चम्मच में चॉकलेट पाउडर मिला के आप चॉकलेट बर्फी बना सकते हैं। तो मैंने ये 5 पैकेट टाइगर बिस्किट लिया हुआ है। अब इनको हम बिस्किट को निकाल के और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने सारे बिस्किट निकाल दिए, अब इनको हम तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं इनको, क्योंकि मिक्सी में थोड़ी आसानी से ये ग्राइंड हो जाएंगी। अगर हम इनको खड़ी से पीसेंगे तो मिक्सी का जार खराब हो जाएगा, इसलिए हमें इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ग्राइंड करना होगा। देखिए मैंने सारे बिस्किट के टुकड़े कर लिए, अब इसको हम मिक्सी में जार में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने बिस्किट का एक फाइन सा पाउडर बना लिया, इसको एक जार में डाल देते हैं, बाउल में रख देते हैं। मैंने बिस्किट को पूरा पेस्ट किया है, अब इसमें हम मिलाएंगे। देखिए बिस्किट का पाउडर तैयार है, अब इसमें मिलाएंगे हम आधी चम्मच इलायची पाउडर। वैसे तो चॉकलेट का ही अलग फ्लेवर है, लेकिन फिर भी चॉकलेट आप चाहो तो इलायची पाउडर मिला सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिलाना होगा 3 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने ड्राई फ्रूट में सबसे पहले 5 से 6 पिस्ता लिए हैं, और बादाम लिया है, और काजू लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने बारीक काट लिया है। अगर हम ज़्यादा बड़े काटेंगे तो जब हम बर्फी बनाएंगे तो कट करेंगे तो ये बाहर निकलेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा मोटा नहीं किया है, पतला ही काटा है, इसको बारीक काटा है। अब इसको हम 2-3 चम्मच इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम डालेंगे दूध। दूध मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है, अभी जितनी ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है, और सिर्फ मेरा 1/2 कप ही दूध लिया है, 5 से 6 चम्मच दूध लिया लगा हुआ है, ज़्यादा दूध नहीं लगा है। अब इसको डो को हम क्या करेंगे, एक आपके पास चकला हो तो चकला, या बोर्ड हो जो भी है, या शिलिप है, जो भी जैसा भी आपको सुविधा लगे। वैसे तो मैंने ये चकला ले लिया है बड़ा सा। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रख लेंगे इसको। इस देखिए ना मैंने घी डाला, इसमें कुछ भी नहीं, कितनी अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब इसको हम इस तरह सॉफ्ट करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और हमें बर्फी जैसा ऐसा चौकोर चौकोर इसको करना है पूरा इस तरह। देखिए कितने अच्छे से बन गया ये। आप कैसा भी आकार दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, लेकिन बर्फी का ये वाला हमने इस तरह कर लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, ये हम जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं चांदी का वर्क, ये इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह, पूरा कवर कर देंगे इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं साइड में, और हम सिल्वर फॉल लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से इस तरह, जो मैंने सिल्वर फॉल लिया है। हम इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे पूरी तरह से इस तरह। देखिए कितनी अच्छे से बन गई है पूरी बर्फी, और पूरी मैंने कवर भी कर दी इसको। दोनों साइड भी लगा सकते हैं इसके, एक साइड लगा दिया मैंने, एक साइड और लगा दिए जी। आप इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए मेरी बर्फी को 10 मिनट हो चुकी है, मैंने फ्रिज के अंदर रख दी थी। देखिए ये अब सेट हो चुकी होगी, अच्छे से कंप्लीट होगी। अब इसको कट कर लेते हैं।
देखिए मेरी बिस्किट की बर्फी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही, तो खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। बिल्कुल एक एक ड्राई फ्रूट भी दिख रहा है इसमें, दिख रहा है ना, तो है ना स्पेशल मिठाई, दिवाली स्पेशल मिठाई है ना ये, तो बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली मिठाई है मेरी, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए, और आप अपने घर में खाइए और इसको ज़रूर बनाइए, और इसका टेस्ट भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कैसा। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। थैंक यू।